शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आजा 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 आजा, यहाँ बैठ यहाँ बैठ यहाँ बैठ। देख, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि शादी के बाद जीवन कैसे बिताया जाता है, बाद में पछताते हैं। मुझको ये लफड़ाने चाहिए, तो अपन पहले इसकी रिहर्सल कर लेते हैं। तो बता, शादी के बाद सबसे पहले तू क्या करेगी? घर चलाऊंगी। घर नहीं तो क्या अनाथ आश्रम चलाएगी? ये तो मुझको मालूम है। घर कैसे चलाएगी? उधार लेके चलाऊंगी। सारा देश इस वक्त यही कर रहा है, तू कर लेगी तो कौन सी नई बात करेगी? नहीं नहीं, सुबह उठकर तू क्या करेगी? ले पकड़। अंगड़ाई लूंगी। अंगड़ाई लेगी, जमहाई लेगी, सब कुछ करेगी, उससे मुझे क्या लेना देना? काम की बात बोल। सुबह उठ के मैं भगवान को प्रणाम करूंगी। मतलब मुझको छोड़ देगी? क्यों? अरे बेवकूफी के फूल की पत्ती, पति शादी के बाद परमेश्वर होता है, सबसे पहले तुम मुझको प्रणाम करना। हाँ, समझ गई। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाऊंगी, मगर मेरे आने के बाद मुझे तो खाना खिलाएगी ना? हाँ हाँ जरूर। चल यहाँ तक तो सब ठीक है, अब असली बात बता। रात को क्या करेगी? रात को मैं तुम्हारे हाथ से पेट भर के खाना खाऊंगी। फकीरों के खानदान की लड़की से पाला पड़ा, हर बात में खाना घुसेड़ देती है। अरे खाना खाने के बाद क्या करेगी? सो जाऊंगी। ये भी कोई जिंदगी है? सो जाऊंगी। तो फिर तू ही बता क्या करना है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। समझाता हूँ, अपन एक नाटक करते हैं। मान ले कि तू एक मर्द है और मैं तेरी औरत। तू कौन है? मैं मर्द हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरी औरत। शाम को थका मांदा पति घर पे आता है और अपनी औरत को आवाज देता है, तो वो उसको कैसे बुलाएगा? अरे ओ हरामजादी चुड़ैल, उधर क्या फुसला मार के बैठी है, इधर आ। देखती नहीं मैं थका मांदा आया हूँ? हाय राम, कितने थके मांदे लग रहे हैं, शरीर से भी चर चर की आवाजें आ रही हैं। ऐसा कौन सा काम करके आए हो जी? ऐसा क्यों पूछ रही है, खाना पकाया या नहीं? कल की बासी खिचड़ी है, परसों की दाल पड़ी है, ज्यादा खराब नहीं हुई? पड़ोस का कुत्ता उसने मुंह मार के गया है, कहो तो गरम करके ला दूं? शर्म, छोरी इधर। तू मेरी बीवी है या मैं तेरी बीवी हूँ? शर्म दादी, कोई काम नहीं करती। निया बेचारा थका मांदा घर आया है, न खाना पकाया, न खाना खिलाया, न बिस्तर बिछाया। चलो पत्ती बंद कर और इधर आके जरा मेरे पैर दबा। चल। अरे ये गधे के लाग, हट। अरे हट, क्या हो रहा है? अरे हट हट हट। अरे मेरे को क्यों मारा ये? उधर मार गधे को। इतने साल हो गए मेरे सेठ की शादी को, एक बार भी उसकी बीवी ने उसके पांव इस तरह नहीं दबाए। नालायक को प्यार करना ही नहीं आता ना, सिर्फ मिलावट करना जानता है। मक्खी जूस, कंजूस, उल्लू का पट्टा, जला हुआ करेला, गला हुआ केला, खड़ी चोटी वाला सड़ा हुआ पिलपिला खरबूजा। तीर्थ यात्रा पे गया है दुराचारी, पापी, सड़ा हुआ कद्दू, साला। सड़ा हुआ कद्दू, मुझे बीवी के पैर दबाने नहीं आते, मुझे मिलावट करना आता। मारो तुम्हारे दे। अरे उसे क्यों मार रहे हो? अरे अरे उसे भागने क्यों दिया? हरामी को पटक पटक के मारना चाहिए था, भागने क्यों दिया? पटक पटक के मारना था, वो 50 किलो का आदमी है को खाली थैली नहीं जो पटक पटक के मारता, और तुमने मुझे दम छोड़ा कहा जो पटक के मारता। खाली रुमाल उठाता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। अच्छा ये सुना, बहुत थक गया हूँ, जरा पैर दबाओ ना। क्या मैं दबाऊ? शर्म नहीं आती? देखा नहीं मेवालाल अपने माशुका के कैसे पैर दबा रहा था? चलो हटो। हाँ चलो शुरू हो जाओ। लानत है हम जैसे मर्दों पर, बीवी के पैर। जीजा जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं इसके पैर की रेखा देकर इसकी तकदीर बता रहा था। मुबारक हो जीजा जी, ललिता को यानी कि लड़का पैदा हुआ है। हे भगवान, हमारी तीर्थ यात्रा बेकार नहीं गई, सफल हो गई। लेकिन भैया, वो हरामजादी मनहूस लक्ष्मी भी तो गर्भ से थी, उसका क्या हुआ? उसका बेटा तो पैदा होते यानी के मर गया। अरे क्या हुआ, इस खुशी के मौके पर रो क्यों रही है? हमारी सारी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा बेकार गई, तुम्हारा बच्चा मर गया सुनकर बहुत दुख हुआ। एक तो इन्हें परसों बाद बच्चा हुआ, वो भी अपराध उठा कर ले गए।
देखिए, जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। मुझे पंचायत की मीटिंग में जाना है, आप लोग अपने नवासे से मिल लीजिए। ललिता 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 जाएगा, समझी? तुम दोनों बहुत दिनों बाद यहाँ आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विनती करती हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चले जाओ? इतना भयानक अपमान? मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये घर जो एक मंदिर समान है, उसमें जो देवी रहती है, उसका अपमान करने से रोक रही हूँ। जाओ यहाँ से। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कह देती हूँ। इस मनुष्य ने बच्चे को हाथ लगाया, उसे अपना दूध पिलाया, मतलब इसने अपनी बुरी नजर का बच्चे को शिकार बना दिया। अरे अपना बच्चा हड़प कर गई तो तेरे बच्चे को क्या छोड़ेगी? देख लेना, एक दिन बच्चा उल्टियाँ करेगा, खून की उल्टियाँ करेगा। इसे तेज बुखार होगा और कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि शराब और बुरी नजर का कोई इलाज नहीं होता। और एक दिन बच्चा मर जाएगा, तब तुझे मेरी बात याद आएगी। मां, तुम जाती हो कि धक्के देके बाहर निकालो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। दीदी, उठा बच्चे को। अब मैं बच्चे को नहीं छूंगी, कभी से हाथ नहीं लगाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। दीदी, आप बच्चे को लेती हैं या नहीं? नहीं, मैं बच्चे को नहीं ले सकती, मुझे नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं लूंगी। दीदी, आपको मेरी कसम है, ले लो बच्चे को। नहीं ललिता, मेरी बात मानो, जिद मत करो। दीदी, अपना दूध पिलाओ। दीदी, मैं कहती हूँ पिलाओ अपना दूध। दीदी, अपना दूध पिलाओ, पिलाओ अपना दूध। कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं बेचेगा, खरीदने वाला चाहे इस गांव का हो या दूसरे गांव का। किसान के लिए उसकी जमीन ही उसकी माँ होती है, और कोई भी इंसान अपनी माँ का सौदा नहीं कर सकता। जहां तक पुराने कर्जों का ताल्लुक है, उससे बचने के लिए सरकार ने बहुत से तरीके निकाले हैं, इसलिए किसी की धौंस में आकर या घबरा कर अपनी जमीनें मत बेचना। कोई भी माई का लाल आपके खून पसीने की फसल को अब छू तक नहीं सकता। भाइयों, एक खुशी की बात और है, आप सबने गांव की पंचायत में अपनी अपनी जमीनों के वास्ते बीज और खाद के लिए जो पैसे जमा किए थे, उन सबका सामान आ गया है, और वो सामान हिफाजत के साथ विजय बाबू के गोदाम में रखवा दिया गया है। बस बस बस, हमें सिर्फ वक्त और मौसम का इंतजार है। हम सब एक साथ मिलकर बीज बोएंगे, हमारी जमीनें एक होंगी, हमारी मेहनत एक होगी, हमारे दिल एक होंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो जो हमने सपने देखे हैं वो भी नेक होंगे। साले भाई, तुम अंदर जाओ, मैं वहां जाके पहरा देता हूं ताकि कोई आना जाए। हाँ? चलो। अरे चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। बात दरअसल ये है कि गोदाम में चूहे बहुत हो गए ना, इसलिए उन्हें मारने के लिए हम लोग दवाई डालने के लिए दवाई डाल।
तुमने इस गांव को बहुत नुकसान पहुंचाया है, काफी बर्बादी फैलाई है, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी करतूत होगी। इस गांव में आज तक पुलिस नहीं आई और हम नहीं चाहते कि तुम जैसे पापियों की वजह से पुलिस इस गांव में दाखिल हो। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम आज और इसी वक्त इस गांव को छोड़कर चले जाओ। जीजा जी, मुझे बचा लीजिए। जीजा जी, जीजा जी, कौन है? आई तुम्हारे साला। कौन साला? क्यों मुझे जीजा बोलकर अपनी बहन को गाली दे रहा है? जानना पहचान? जीजा जी सलाम। अबे हट, मेरे पांव पहले कर, हाथ लगा के। पन्नालाल, बहुत हो चुका। पंचायत वालों, इनको इज्जत के साथ गांव की सरहद का राजा दिखा दो। अबे चल, नहीं छोडूंगा, सबको देख लूंगा, नहीं छोडूंगा। वाह विजय वाह, तुम तो महानता से भी ज्यादा महान हो, ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचे हो। अरे सागर में क्या पानी होगा तो तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए प्यार का सागर मौजे मार रहा है। इस गांव को बचाने पर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ और तुम्हारे झंडे का डंडा पकड़ के नारा लगाता हूँ कि सच्चे का मुंह काला, नहीं नहीं झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोल भाला। विजय भैया की कोई भी नहीं है, जय विजय भैया की जय। डॉक्टर लीलावती? यस। मैं विजय चौधरी बोल रहा हूँ। अचानक बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहोशी का आलम है, आंखें तक नहीं खोल रहा। आप जरा जल्दी आ जाइए प्लीज। अच्छी बात है, मैं आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी, तुमने बच्चे को क्या खिला दिया था? कुछ नहीं, तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं खिलाया। अगर कुछ नहीं खिलाया तो इसकी ये हालत कैसे होगी? तुम मुझे इस तरह क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मन ही मन अपने तकदीर को कोस रही हूँ कि मुझे भागन को इस मासूम के पालन पोषण करने की क्या जरूरत थी। दुनिया की नजर में ये एक भांजी स्त्री जिसका साया भी मनहूस है। सच कहते हैं वो लोग कि मैं ही कारण हूं इसकी बीमारी का, और कोई कारण नहीं। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही है? डॉक्टर आइए, डॉक्टर जल्दी। बच्चे को निमोनिया हुआ है। The child is suffering from acute bronco pneumonia. बच्चे को नहलाया था क्या? हाँ। कब? सुबह तेल की मालिश करके नहलाया था। इसीलिए ऐसे निमोनिया हुआ है। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में निमोनिया, कुछ कहा नहीं जा सकता। हे भगवान। मैं इसे इंजेक्शन देती हूँ, अगर 3 घंटे के अंदर अंदर फायदा हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो। नहीं डॉक्टर, नहीं। डॉक्टर, आप अकेले हमारी इस राज की, इस सच्चाई की गवाह हैं। अगर मेरे किशन को कुछ हो गया तो आप जानती हैं कि मैं जिंदा नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारे त्याग की भगवान की नजरों में जरा भी कीमत होगी तो इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये एक डॉक्टर नहीं, एक औरत कह रही है। लक्ष्मी, लक्ष्मी धीरज रखो, तुम बड़ी हो, तुम इस तरह बर्ताव करोगी तो ललिता का क्या होगा? जाओ, जाकर उसे धीरज दो, लाओ बच्चे को मुझे दो। ललिता, तुम फिक्र मत करो, भगवान की दया से हमारे किशन को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा कि उसकी जान को खतरा है। नहीं! मत ले जाओ मेरे बच्चे को, मत ले जाओ मेरे बच्चे को, मुझसे जुदा मत करो, मत ले जाओ मेरा बच्चा मुझे दो, मैं बच्चे को अपने घर ले जा रही हूँ। पागल हो गई हो? बच्चे को इस हालत में घर ले जाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है कि बच्चा इस घर में रहेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। पागल हो गया क्या? ललिता ठीक कहती है, ललिता ले जाओ अपने बच्चे को, फौरन ले जाओ। लेकिन बच्चे को अभी भी इंजेक्शन लगाया है, ठीक होने में 3 घंटे लगेंगे, ऐसी हालत में उसे बाहर ले जाना खतरनाक है। इसे ले जाने दीजिए। जब इसके मन में यह विश्वास बैठ गया कि बच्चा यहाँ रहने से ठीक नहीं होगा, वो मर जाएगा, तो इसे ले जाना ही अच्छा है।
ललिता इसे ले जाओ, जल्दी जाओ। भाभी, रवि तुम भी जाओ, उसका अकेले जाना ठीक नहीं। जाओ रवि, मैं कैसे जाऊं।